सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन के अंदर UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों UGC से हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और अभी तक इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं और दिसंबर 2018 और जून 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में हम UGC के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे और इस वीडियो में ये भी देखेंगे दोस्तों कि आज तक UGC से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NTA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं UGC के बारे में। इसको देखिए हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं और इंग्लिश में इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह है जो 2017 में नियुक्त हुए थे। अब देखिए इसके अंदर जो हमें ध्यान देने वाली बातें हैं वो क्या क्या है। यह केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। अब देखिए यहाँ पे आप अभी से नोट करना शुरू कर दीजिए UGC के बारे में कि ये क्या क्या काम करता है, इसकी क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत ये है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है ये। उसके बाद में यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी देता है, यानी कि उनको ग्रांट देता है कि किस कॉलेज के अंदर कितना ग्रांट लगना चाहिए, वो सभी UGC से निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों पहले। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, एक पुणे में, एक भोपाल में, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु के अंदर है। दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन आया है एक बार कि इसके कार्यालय के बारे में क्वेश्चन आया था और इतने जो ये नोट्स है दोस्तों इसमें से अभी तक करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो UGC नेट है, जैसे नाम से ही हम कहते हैं UGC नेट कहते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये इसी से संबंधित है, UGC से संबंधित है। और यही क्या करता है दोस्तों, विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है, इसी के द्वारा होती है। और इसके अंदर देखिए और क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। सन 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको जो जो सुविधाएं दी जाती थी फाइनेंशियली वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अब देगा, ये 1952 के अंदर तय किया गया था। इस तरह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद सन 1956 में जाकर ही UGC को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर से इसे स्थापित किया गया था। तो इसे किसने स्थापित किया था ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इनको स्थापित किया था और कब किया था, 1956 के अंदर किया था। और एक चीज़ और, इसे किस तरह से स्थापित किया था, संसद में पारित एक विशेष विधेयक के द्वारा इसको पारित किया गया था। यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एक एक चीज़ को आप नोट करते चलना और आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। और उसके बाद दोस्तों अभी क्या हुआ इसके अंदर रिसेंटली, देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे AICTE कहते, इन दोनों को समाप्त करके एक अन्य आयोग की स्थापना करने की बात कर रही है। वो है दोस्तों एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन
एजेंसी यानी कि उसे हीरा नाम देने की सोच रहे हैं। तो इन AICTE और UGC को ख़त्म करके हीरा को लाने की अभी बात चल रही है। इसके अंदर काफ़ी तरह के बदलाव किए जाएंगे। अपनी शिक्षा और महाविद्यालयों के अंदर जो रूल रेगुलेशन है उनको अच्छे तरीके से चलाने के लिए हीरा का गठन किया जाएगा। ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों UGC के, अब बात आती है कि UGC के मुख्य कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उसको बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरीक्षण। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षण यानी कि किस तरह से पढ़ाना है, परीक्षा किस तरह से हमें परीक्षा लेनी है, और रिसर्च के जो कार्य हैं उनको किस तरह से फ्रेमवर्क करना है, क्या करना है, कैसे उनको सिलेक्ट करना है, ये सभी चीज़ें UGC निर्धारित करता है। उसके बाद में शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण यानी कि शिक्षा को जो स्तर है हमारा वो न्यूनतम यानी कि मिनिमम क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये सोचता है। और उसके बाद में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरण यानी कि ये उनको कमीशन देता है। कमीशन का मतलब ये है कि उनको धन राशि देता है अपनी संस्था अच्छे से चलाने के लिए। उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, यानी कि ये क्या करता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार है उन दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये परामर्श देता है। इसमें से भी दोस्तों करीब 3 से 4 बार आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं। और हम देखते दोस्तों और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा प्रत्यानन कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्न 1500 संस्थानों द्वारा किया जाता है, यानी कि देखिए UGC के द्वारा किन किन को कंट्रोल किया जाता है वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे आप ये सारी की सारी देख सकते हैं। और अब बात आती है दोस्तों, क्वेश्चन की बात आती है कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। अब देखिए इन चारों के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला है ए पे, 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, ये बात हमने दोस्तों अभी पढ़ी थी 1956 में, और संसद द्वारा इसे स्थापित किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसे केंद्र सरकार के योजनागत और गैर योजनागत निधियाँ प्राप्त होती है, ये बात भी सही है दोस्तों। उसके बाद में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती है, ये बात इसकी सही नहीं है दोस्तों। ये कह रहा है कि स्टेट की जो सरकार होती है उससे इनको फंड मिलता है, UGC को फंड मिलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसको कहाँ से मिलता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंड सारा का सारा मिलता है, ये बात इसकी यहाँ पर गलत है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था। अब ये देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभी निर्धारित जाली संस्थाओं में से बताना था, यानी कि जो फर्जी फेक यूनिवर्सिटी है वो हमें बतानी थी, किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या थी। ये चलो ये 2014 की थी तो ये अब की बार क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इस तरीके से आ सकता कि 2019 के अंदर कौन सी फेक यूनिवर्सिटी थी और किस राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या थी, इस तरह से आ सकता है। तो फेक यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है दोस्तों वो हम आगे की वीडियो में डालेंगे, उसमें आपको बता देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने का हमारा मकसद ये है दोस्तों, आपको पता चल सके कि UGC से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि फेक यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। अब 2018 में या 19 में जो फेक यूनिवर्सिटी रिलीज हुई है वो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये हमारा मोटिव है दिखाने का। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये दिसंबर 2014 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, इसके अंदर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है, वो हमें बताना कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डिग्री देने के लायक है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। 1, 2, 4 संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ठीक है। विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये बात भी ठीक है।
विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्था, ये बात भी ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था डिग्री देने में सक्षम नहीं है, ये यूजीसी कहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए, ये जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया है। यहाँ पे इसके उद्देश्य पूछ लिए और उद्देश्य हमने पढ़े थे दोस्तों, तो इसमें देखते क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था, रिसर्च के लिए किया था। अब दूसरा है दोस्तों, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए। चलिए इस पे हम एक बार ये कर देते हैं, हम डाउट पे रख लेते हैं इसको, आगे देखते हैं। शिक्षकों का समता निर्माण, ये बात भी हम डाउट में रख लेते हैं। उसके बाद में भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, ये बात इसकी गलत है दोस्तों। अब देखिए, ये कह रहा है कि भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उन सभी को स्वायत्तता देना, यानी कि अपने हिसाब से चलने के लिए अनुमति देना, तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है दोस्तों। यूजीसी ऐसा कभी नहीं करता कि सभी कॉलेज अपने हिसाब से, इंस्टीट्यूट है अपने हिसाब से, वो रूल रेगुलेशन बनाए और चले, तो ये बात इसकी गलत है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए बी सी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों चीज़ें इसकी सही होगी। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन से सही है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये जो डीम्ड विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम करेंगे कल की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर कितनी तरह की यूनिवर्सिटी है और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके क्या क्या अधिकार है, वो सभी आपको कल की वीडियो में बताएंगे। ये पता नहीं कैसे आ गया बीच में क्वेश्चन। और आगे देखते दोस्तों, ये देखिए, ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय और गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ हमने करीब 3 बार अभी तक पढ़ ली, क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ ली, भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय और गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेवारी सौंपी गई है। सीधी सी बात है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सौंपी गई है, ये हमने पढ़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो सकते हैं आपके। अब देखिए आगे हम देखते हैं, ये हमारा दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था, इसके अंदर इन्होंने कहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास मानव अधिकार और शिक्षा में मूल्य के लिए एक योजना है, ये कोई स्कीम है यूजीसी के पास। इस योजना के तहत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा घटक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो हमें बताना है दोस्तों। चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों में मूल्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना, तो ये बात इसकी गलत है दोस्तों। ये अब इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना होगा, मानव अधिकार और शिक्षा में मूल्य की जो योजना है वो क्या कहती है, उसके बारे में जब हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा, ये हम आगे की वीडियो में करेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारा यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ दोस्तों, जो ऊपर वाला ना, ये इंग्लिश में यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मैं पहले ईयर दिखा देता हूँ, ये हमारा 22 दिसंबर 2018 में आया है। क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आप बताइए दोस्तों किस में किया गया था, यहाँ पे मैंने आंसर भी दिया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप दोस्त कहते कि यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता सर, पेपर फर्स्ट मुश्किल है, कहाँ है दोस्तों, देखिए तो सही कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। और चलिए अब हम आगे भी दिखाते हैं आपको कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये हमारा 21 जून 2019 को क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन था दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, ये हमें बताना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें सीधा सा बात है, 1956 में हुई थी हमारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास 26 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखते हैं यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था, क्या था उसका उद्देश्य था दोस्तों,
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे का उन्नयन, यानी कि जो हमारी रिसर्च वगैरह है उसको किस तरीके से होनी चाहिए उसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए ये फैकल्टी रिचार्ज स्कीम चलाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।